ठीक है, सो वी हैव टू सी इम्पल्स सिग्नल और इम्पल्स फंक्शन। इम्पल्स फंक्शन और सिग्नल वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज डेल्टा फंक्शन। ओके, डेल्टा और यूनिट इम्पल्स फंक्शन। इम्पल्स फंक्शन मतलब क्या होता है, और डेल्टा, और वी कैन कॉल इट एज अ डेल्टा। सो डेल्टा इज एन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फंक्शन, ओके, विच इज यूज फॉर द एनालिसिस ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। सो दिस इज बेसिकली यूज फॉर व्हाट एनालिसिस, फॉर द एनालिसिस ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, जो भी हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम रहेंगे उसका एनालिसिस करने के लिए दिस सिग्नल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और फंक्शन, डेल्टा फंक्शन इज डिनोटेड बाय डेल ऑफ टी। ओके, दिस इज द नोटेशन फॉर डेल्टा फंक्शन। ठीक है, तो अभी हम ये कहाँ पे करते हैं, कहाँ पे इसको इनपुट देते हैं, इसका ग्राफ देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये टाइम टी है, ठीक है, एंड दिस इज आवर एक्स ऑफ टी इज इक्वल्स टू डेल ऑफ टी, और ये वन, और ये रहेगा जीरो। ठीक है, तो अभी देखो इम्पल्स इसमें होता क्या है, द इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ अ सिस्टम इज क्या रहता है, इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ अ सिस्टम मतलब क्या, इज इट्स रिस्पॉन्स टू डेल्टा फंक्शन अप्लाइड एट द इनपुट। मतलब द इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ अ सिस्टम इज इट्स रिस्पॉन्स टू डेल्टा फंक्शन। कहाँ पे अप्लाइड किया था, जो एट इट्स इनपुट, मतलब जो भी इनपुट में हमने क्या दिया है, डेल्टा फंक्शन जो भी अप्लाई किया है, ठीक है, उसका रिस्पॉन्स मतलब क्या रहेगा, इम्पल्स रिस्पॉन्स रहेगा। ठीक है, जो भी डेल्टा फंक्शन हम लोगों ने अप्लाइड किया एट द इनपुट ऑफ द सिस्टम। ओके, नाउ इट इज प्रेजेंट ओनली एट टी इज इक्वल्स टू जीरो। ओके, इट विल प्रेजेंट ओनली एट टी इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, एंड इट्स विड्थ, विड्थ क्या रहेगी इसकी, इट्स विड्थ टेंड्स टू अ जीरो एंड इट्स एम्पलीट्यूड एट टी इज इक्वल्स टू जीरो इज कंसिडर्ड टू बी इन्फिनेटली लार्ज सो दैट द एरिया अंडर द पल्स इज यूनिटी। ठीक है, अब क्या रहेगा, ये क्या है हमारा इनिशियल पॉइंट है एट टी इज इक्वल्स टू जीरो। अब इसका जो विड्थ रहेगा वो टेंड्स टू जीरो एंड इट्स एम्पलीट्यूड, ठीक है, इसका एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, टेंड्स टू टी इज इक्वल टू जीरो रहेगा। तो हम लोग क्या इसको क्या कंसिडर करेंगे, इट इज कंसिडर टू बी इन्फाइनेटली लार्ज। ठीक है, मतलब फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे जा रहा है, तो इसको हम क्या कंसिडर करेंगे कि ये बहुत लंबा है, बहुत लार्ज है। ठीक है, तो अभी हमको क्या है, कोई तो भी एरिया एक कंसिडर करना है। ठीक है, तो एरिया हम लोग फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वन तक लेते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिटी बोलेंगे। ठीक है, मतलब यूनिट इम्पल्स फंक्शन हो गया वो, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे जो इसका एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड इज इक्वल्स टू क्या है, वन है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज यूनिटी। ओके, सो इफ वी हैव कंसिडर्ड और टी इज इक्वल्स टू जीरो देन इट इज कंसिडर्ड टू बी इनफाइनाइटली लार्ज। ठीक है, अगर टी इज इक्वल टू जीरो हमने रखा तो वो क्या होगा, इन्फिनेटली लार्ज होगा। ठीक है, सो दैट, सो हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, जो एरिया है वो इम्पल्स के अंदर, वो हम क्या कंसिडर करेंगे, उसका एम्पलीट्यूड वन कंसिडर करेंगे। ठीक है, दैट्स वाई, सो दैट द एरिया
अंडर द पल्स जो भी पल्स रहेगा इज यूनिटी। यूनिटी मतलब क्या? वन। ठीक है, ड्यू टू यूनिटी एरिया, सॉरी ड्यू टू यूनिट एरिया इट इज कॉल्ड एज यूनिट इम्पल्स फंक्शन। व्हाई? बिकॉज वी हैव कंसिडर्ड इट्स एम्पलीट्यूड इज इक्वल्स टू वन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज यूनिट इम्पल्स फंक्शन। ठीक है, अगर एम्पलीट्यूड कोई वन से दूसरा रखा रहता तो वो यूनिट इम्पल्स फंक्शन नहीं बोलेंगे उसको। ठीक है, एंड मैथमेटिकली वी कैन रिप्रेजेंट इट एज, मैथमेटिकली हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? डेल ऑफ टी इज इक्वल्स टू वन फॉर वॉट? फॉर टी इज इक्वल्स टू जीरो, एंड जीरो फॉर टी इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। मतलब अगर ये जो ये हमने लिया है टी इज इक्वल्स टू जीरो, इसका हमने एम्पलीट्यूड कितना कंसिडर किया है? वन। इफ वी हैव कंसिडर टी इज इक्वल्स टू वन, टी इज इक्वल्स टू थ्री, मतलब टी इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो फिर क्या होगा? मतलब अगर वन है, सपोज -1 है, -2 है, या फिर 2 है, कोई भी ग्रेटर देन जीरो और लेस देन जीरो, सो फॉर दैट वैल्यू इट विल बी जीरो। डेल्टा टी की वैल्यू क्या रहेगी? वो सब वैल्यूज के लिए जीरो रहेगी। ठीक है, और वन किसके लिए रहेगी? फॉर टी इज इक्वल टू जीरो, दैट्स वाई वी आर कॉल इट एज यूनिट इम्पल्स फंक्शन, बिकॉज हियर वी आर टेकिंग वन। ओके, एंड द एरिया अंडर द कर्व इज गिवन एज, उसका जो एरिया रहेगा वो क्या रहेगा? एंड द एरिया अंडर द कर्व इज गिवन एज डेल ऑफ टी इंटू डी टी इज इक्वल्स टू वन। ओके, क्या होगा ये? इसका एरिया होगा। ठीक है, जो भी हम एरिया वो कवर करेगा वो कर, उसका इक्वेशन क्या रहेगा? इंटीग्रल माइनस इन लिमिट इज माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी डेल ऑफ टी इंटू डी टी इज इक्वल्स टू वन। सो दिस इज नोन एज यूनिट इम्पल्स फंक्शन। ओके, सो देर आर टू प्रॉपर्टीज आर देयर अंडर दिस डेल्टा फंक्शन। इम्पल्स यूनिट इम्पल्स फंक्शन इज ऑल्सो नोन एज डेल्टा फंक्शन। ओके, सो देर आर टू इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज अंडर दिस फंक्शन। वॉट आर दे? द फर्स्ट वन इज शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, मीन्स इफ वी हैव टू शिफ्ट एनी सिग्नल देन हाउ वी विल डू दैट, हाउ वी विल डू इट? सो द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर दिस इज इंटीग्रल लिमिट इज माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स ऑफ टी डेल ऑफ टी माइनस टी एम डी टी इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ टी, वेयर डेल ऑफ टी माइनस टी एम रिप्रेजेंट्स, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट्स दी टाइम शिफ्टेड डेल्टा फंक्शन। टाइम शिफ्टेड डेल्टा फंक्शन विच इज ओनली एट टी इज इक्वल्स टू टी एम। ठीक है, क्या है? शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हो गया।
ठीक है, दिस इज शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। एंड द सेकेंड इज रेप्लिकेशन प्रॉपर्टी। सो दीज आर द टू प्रॉपर्टीज केम अंडर द डेल्टा फंक्शंस। इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या रहेगा, एक्स ऑफ टी इंटू डेल ऑफ टी इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ टी। दिस प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट द कॉन्वल्यूशन ऑफ एनी फंक्शन विथ डेल्टा फंक्शन यील्ड्स द सेम फंक्शन। ठीक है, मतलब कोई भी क्या रहेगा, कोई भी कॉन्वल्यूशन एट एनी फंक्शन विथ डेल्टा फंक्शन। ठीक है, मतलब कॉन्वल्यूशन ऑफ ये एक फंक्शन है विथ डेल्टा फंक्शन विल बी द सेम एज दैट ऑफ द दिस फंक्शन। ठीक है, मतलब अगर कोई भी इसके साथ अगर एक कॉन्वल्यूशन मल्टीप्लीकेशन होता है तो उसको आउटपुट में क्या मिलेगा, हमको सेम मिलेगा एज इट इज, मतलब ये जैसा है वैसा। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी मतलब क्या, कोई भी प्रॉपर्टी है या फिर कोई भी सिग्नल है, कोई भी फंक्शन है, उसको हमें क्या करना है, शिफ्ट करना है विद द लिमिट्स माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। तो उसके लिए क्या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ये। ठीक है, ये कौन सा है, रेप्लिकेशन प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या, कोई भी फंक्शन को हम अगर कॉन्वोल्यूशन देते हैं उसका डेल्टा फंक्शन के साथ, देन वी विल गेट द सेम एज दैट ऑफ द फर्स्ट, बिकॉज वी नो दैट डेल्टा फंक्शन इज ऑलवेज वन। ठीक है, अगर डेल्टा फंक्शन अगर फॉर एग्जाम्पल वन में होता है तो वो क्या रहेगा, सेम ही आएगा ना एज इट इज। इसीलिए वो इसको हम बोल सकते हैं दिस प्रॉपर्टी। मैम आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। यस, व्हाट हैपेंड, दिस प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट द कॉन्वल्यूशन ऑफ एनी फंक्शन विथ डेल्टा फंक्शन। सेम फंक्शन ओके एज इट इज, मतलब जो हमने लिया था वही फंक्शन हमको एट द आउटपुट में मिलेगा। ओके, सो वॉट वी हैव सीन टूडे, इम्पल्स फंक्शन और इम्पल्स सिग्नल और डेल्टा फंक्शन। ओके, डेल्टा फंक्शन, डेल्टा फंक्शन इज ऑल्सो नोन एज यूनिट इम्पल्स फंक्शन। ठीक है, एंड यूनिट इम्पल्स फंक्शन में हम लोगों ने डेल्टा फंक्शन के कौन कौन से प्रॉपर्टीज देखे, द फर्स्ट वन इज शिफ्टिंग प्रॉपर्टी एंड द नेक्स्ट वन इज, सेकेंड वन इज रेप्लिकेशन प्रॉपर्टी।